सिंह बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार वासियों को लेकर। बिहार में लोगों को बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में बिजली की दरों में 24% की वृद्धि कर दी गई है। जी हां, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद बिहार में बिजली अब काफी महंगी हो गई है। तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार राज्य के बिजली शुल्क में 24% की बढ़ोतरी की गई। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव से जब सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए और कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है सर, 24% बढ़ोतरी हुई है। अरे एनर्जी कमीशन की आप सरकार को विचार करेगी, इसमें कोई कुछ अभी कहना नहीं है। एक काम उसमें सरकार विचार करेगी, एनर्जी कमीशन देगा। वही कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि आज के दिन में बिजली की खपत काफी मात्रा में बढ़ी है, उस पर जितनी सब्सिडी दी जा रही है वो अपने आप में बहुत है। बिजली की उत्पादन क्षमता के हिसाब से ही उसकी कीमतें तय होती हैं, और जब बिजली विभाग का यहाँ पे बजट पेश हो रहा था तो आज के दिन में बिजली खपत अच्छी खासी बढ़ी है और जिस मात्रा में उत्पादन होना चाहिए था तो इसलिए उसको उसकी खरीद होती है यहाँ, उसके ऊपर जितनी सब्सिडी दी जा रही है वो अपने आप में बहुत है। इधर बीजेपी ने बिजली की दर में बढ़ोतरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिहार सरकार ने जो बिजली दर पर बढ़ोतरी की है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आप मंत्रियों का भत्ता बढ़ा रहे हैं, मंत्रियों का सारा फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता पर बोझ के आर्थिक बोझ इतना लाद दे रहे हैं कि उनके गरीब बच्चा और उनको परिवार चलाना आफत हो जा रहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा इधर सरकार पर कुछ ज्यादा बर्डन हो गया है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, कर करके जनता को सुविधा दे रही है, इधर कुछ ज़्यादा वर्णन हुआ है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, वैसी परिस्थिति में डेफिसिट को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा किया है। हालांकि सरकार अगर इस पर सब्सिडी को बढ़ा देती है तो ये वृद्धि जनता पर इतना असर नहीं डालेगी। अभी के समय में भी नीतीश सरकार बिजली पर सब्सिडी देती है। पटना से निषेध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।